जो साहब घर साहब को कहना चाहें। इस वक्त पहुंच चुके हैं नारायण वेले। फाइनली हम बाबूसर टॉप पे पहुंच चुके हैं। आप ऊपर भी देख सकते हैं हमारे पीछे सारा बाबूसर टॉप नजर आ रहा है। गाड़ी हमारी फाइनली खराब हो चुकी है। फाइनली सफर का तीसरा दिन है। बड़ा जबरदस्त जा रहा है। हमारे रूम के सामने ये स्कूल है, स्कूल का ये वॉशरूम है। ये हमें यूज करने की अलाउड है। दिखाओ ऊपर से दिखाओ नीचे। हाँ ये हमारे नीचे नदी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ठीक हो चुकी है। नए टायर रात आ रहे हैं, खर्चा किया आप लोग। मेरे टायर नहीं है, ब्रेक शू खत्म हो गए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं। और अब ये गाड़ी के बैग आप ओपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। अच्छा मुझे लगता है ये ऐनक ना हाजी साहब को बड़ी जच रही है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि ये ऐनक नहीं जच रही। अगर आपको लग रहा नहीं जच रही तो आप कमेंट सेक्शन के बजाय ऐसा कीजिए कि दराज से ऑर्डर करके ना अगर इनका डिलीवरी करवा दीजिएगा। ये वाली मेरी है क्योंकि अरे साहब इस पे हाथ हथियाना चाहते हैं, इसलिए मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं। हम इस वक्त चिलास वैली के करीब है, बस अभी पहुँच रही है ना, पहुँच चिलास वैली से हमारा गुजर गया है। हमारा भी यहाँ पे ना स्टॉप है ना, हम यहाँ स्टॉप करना चाहते हैं। गर्म पहाड़ है क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। बाबा से टॉप हमारे साथ आप देख सकते हैं दरियाए सिंध के एक्सक्लूसिव मनाजिर क्योंकि दरियाए सिंध वैसे तो हमारे आगे तो अमूमन हमें खुश्की नजर आता होता है, लेकिन यहाँ पे पानी का आप कैसे सोर्स ऑफ वाटर यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे हमें पानी नजर आ रहा है। हम इस वक्त चिलास वैली के अंदर खड़े हुए हैं और वहाँ पे आगे जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ियों की लाइन देख सकते हैं। और हमारे पीछे भी, क्योंकि ये हमारी गाड़ी है तो हमारी गाड़ियों के पीछे भी लाइन लगी पड़ी है। जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है, वेट हो रहा है अगर रास्ता खुले। अच्छा मैंने भी ले ली, देख रहे हैं आप जबल पे आ गए। सुबह का कह रहा था नजर डाली थी गाड़ी से, हाँ डाल रहा था मेरी प्रॉपर्टी में। वो आप रेड शर्ट में देख सकते हैं जवाब सतारा, और वहाँ से नीचे ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं। पीछे गाड़ी रुक चुकी है, अब आगे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से होके वो जो आपकी चोटी नजर आ रही है वहाँ पे थी हमारी गाड़ी, वहाँ से हम नीचे आ रहे हैं। हम आपको करीबी मनाजिर दिखाते हैं, आप वो चोटी देख सकते हैं, वो जो बादल जहाँ पे बप्पी कर रहे हैं, हम वहाँ से सारी हाइकिंग करते हुए यहाँ से घूम के इधर आए हैं। वहाँ से नीचे जाके दरिया में मुंह धोएंगे, फिर यहाँ से घूम के हम वापस पहुंच जाएंगे। उम्मीद है कि दरिया 800 किलोमीटर बनता है, लेकिन हमारे लिए आपको पता चल रही है ज्यादा है नहीं, हम तो ऐसे आंखें बंद करते हैं, ऐसे प्रोफेशनल 5 किलोमीटर और आगे आ चुके अपनी मंजिल से। देखने में लग रहा होगा हम करीबी आए थे, लेकिन ये 5 किलोमीटर अगर आप पहाड़ों पे अगर कभी नहीं है तो आप इस चीज का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। वो जहाँ पे आपको ट्रैफिक नजर आ रही है, ये चढ़ाई हम करके आए हैं और नीचे हमारे नीचे दरियाए सिंध, और ये जाके सिंध जाता है। तो यहाँ तक मुंह धोने आए थे, ये गहरा बहुत है, मसला गहराई का नहीं है, मसला है ट्रैफिक ना खुल जाए। वरना हम आपको पता है तो ऐसे जंप मार नीचे मार के ऊपर आ सकते हैं, वो मसला तो है ही नहीं, वो मसला तो है ही नहीं। हो कादर ट्रैफिक चल पड़ी और हाइक करना पड़ रहा है, बड़ी स्पीड में पहुंचे हैं। गाड़ी की लाइन लगी हुई थी, हमारी गाड़ी रुकना 5 किलोमीटर दौड़े गाड़ी रुकना किसी सूरत पॉसिबल नहीं था। तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 रुका मार, तेरा प्यार 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 रुका मार, तेरा प्यार 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 रुका मार। गुस्साना किधर की है? अच्छी है।
आखिरकार हम गिलगित पहुंच चुके हैं। मनाजिर आप हमारे साथ साथ देख रहे हैं, सारे स्नेक्स थक चुके हैं। हाँ भाई, कैसा लग रहा है गिलगित? अच्छा, बोलो, रोटी नहीं खाती? बहुत ही जबरदस्त। बाकी फिर हमने पॉइंट पे पहुंच गए। भाई पॉइंट कौन सा है हमारा? ईगल नेस्ट पे पहुंच के फिर आपको अपडेट करते हैं। वॉशरूम के बाहर रुके थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ पे सीन ये हुआ कि फिर दिमाग जवाब का चल रहा है, वो जो हवा से चल रही थी ना, वो फिर की इसके दिमाग से हो गया। अचानक हमारा स्टे का प्लान बना, तो स्टे का प्लान बनने से ये हुआ कि यहाँ पे जो उनके चार्जेस थे वो हमारी जेब से फट रहे। नहीं नहीं नहीं, जेब में ही थे, लेकिन आपको पता है कि हम जो है ना पैसे बचाते हैं, एडवेंचरस बंदे हैं हम लोग। तो हमने ये प्लान किया कि हम यहाँ पे स्टे नहीं करें, सीधा आगे जा रहे हैं अदाबाद की तरफ, और वहाँ पे जाके फिर मजीद सीन देखते हैं। हाजी साहब इस टाइम माउंट एवरेस्ट की बुलंदियों में हैं, और कोरा ही कोरा। और बाकी यकीन करें यहाँ पे कोरा है और बर्फ इतनी जालिम है। हम आपको व्यूज भी शेयर करते हैं, दिखा चुके हैं। सितंबर की 9 तारीख है आज, और सितंबर की 9 तारीख को भी ये बर्फ अच्छी खासी प्रेजेंट है। इसका मतलब है सारा साल ये बर्फ नहीं। हम ये राखी पोशा, क्या नाम है, पोशा कहीं ना आए जगह था, राखा पोशा, राखी राखा पोशी की जो भी जोड़ी पोशी में जी मर्जी पोशी जैसे खिलौते हैं राखा पोशी। वो रही हमारी गाड़ी, बड़ा जबरदस्त हमें होटल मिला है। वाईफाई भी है यार, 2 दिन बाद घर कॉन्टेक्ट होगा हमारा। वाईफाई है, वॉशरूम में गीजर है। आपको कमरा, ये देखिए कमरा ऊपर से देखें, ये रूम को देख के बहुत खुशी हुई। जितने हम सुबह से थके खाते हुए आ रहे हैं, तो रूम की कंडीशन और क्वालिटी है जी। हमारे कमरे का इंटरनल व्यू माशाल्लाह, एक सिंगल बेड, एक डबल बेड, साकिब साहब अपने ड्रायर से अपना कच्चा सुखा रहे हैं, और बड़ा ही कमाल का लग्जरी रूम है। वॉशरूम आप देख लें, आप सिर्फ फॉरेन कंट्री में आते हो। बड़ा ही हैवी सीन वाला हमें रूम मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या था, रखा खुशी वाटरफॉल पास ही, इंशाल्लाह सुबह फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। दो हाथ लगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस छोटी सी आम रेसलिंग के बाद हमारा खाना हमारे टेबल पे तैयार हो चुका है। जितनी एनर्जी हम लूज कर चुके हैं, वो एनर्जी हमारे टेबल पे आ चुकी है। हम खाने लगे और हमारा पेट भरने लगा, बहुत मजा आने वाला है। बहुत ठंडा है, गोरे गोरे है वो हमारे सामने, हमारे बाकी मेहमान तो नहीं, हमारे पार्टनर्स हैं, और वो भाई साहब खाना लेके आ रहे हैं और आपको दिखाते हैं, आप खाएंगे तो आपको बताएंगे कैसा मजा आया है। बैठ लगे भी आ जाए जल्दी है और खाना शुरू करते हैं। इस होटल का जो नाम है वो है माउंट पैलेस राखा पोशी। जब उन्हें हमने बताया ना कि हाजी साहब भी यूट्यूबर है, हम भी यूट्यूबर है, तो उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट दिया। अच्छा, राखा पोशी माउंट पैलेस, जब आप यहाँ पे राखा पोशी वाले पॉइंट पे आने लगेंगे तो बिल्कुल उसके पास है। गूगल मैप पे जब आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छी सर्विस, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। कमरे के मैं आपको दिखाई चुका कैसे, तो किसी की सूरत में अलहमदिल्ला हमें कोई शिकायत अभी तक हमें कोई भी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खड़ने की भी जगह है। ज़िया साहब और प्रोफेसर से यूट्यूबर है, तो आपको वो लेकिन फिर भी जब आप यहाँ पे आए उनको बताइएगा की यहाँ पे ज़िया साहब और प्रोफेसर ट्रेन ने हमें भेजा है, तो हाजी साहब ने मिलेगा। हाजी साहब ने, हाजी साहब शायद तब तक मैं चला इस वक्त हम हैं राखा पोशी में, जहाँ मैंने आपको अपने होटल के रात के मनाजिर दिखाए थे। तो ये कुछ दिन के मनाजिर हैं,
दिखाने वाली चीज़ है वो बिल्कुल आपका बर्फ़ से ढका पहाड़ नज़र आ रहा होगा, और ये पहाड़ी है जो पिघलकर हमारे पर राकापोशी पॉइंट को खूबसूरत बनाता है, और हम उस पॉइंट पे जा रहे हैं जिसे राकापोशी कहा जाता है। तो फाइनली और आखिरकार बात तो एक ही है, जो आपको बता रहे थे कि वो राकापोशी पॉइंट वाटरफॉल जो भी था, मतलब नाम मुझे भी कन्फर्म नहीं है, तो वहाँ जा रहे हैं। अच्छा सीन है, HD सीन होगा इंशाल्लाह पहले की तरह। तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारे दोस्त तो पहुँच चुके हैं, बस मैं गुलाम सिंह और अहमद थोड़ा सा पीछे रह गए थे, क्योंकि हम थोड़े से ना थोड़े लेजी बनते हैं। हमारे हाथ में है डैनी का पावर बैंक, ये भी ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड है। मेरे साथ हैं आपके फेमस व्लॉगर। लेडीज गाइस एंड जेंटलमैन, ये HD व्यू डायरेक्टली सामने आ चुका है, वो पीछे से बर्फ़ पिघलती हुई आ रही है, और ये आपके सामने क्या HD सीन है। और ये वाटरफॉल पत्थरों से होता हुआ बहुत ही आला मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त मैं बिल्कुल राकापोशी पॉइंट के मिड में खड़ा हूँ। बहुत ही ठंडा पानी है, 2 मिनट से ज्यादा बल्कि 1 मिनट भी आप पानी के अंदर पाँव नहीं रख सकते। मैं पिक लेने के लिए पाँव अंदर रखा और मेरा पाँव जमने भी आकर मैंने पाँव बाहर निकाल लिया। बहुत ही साफ सुथरा और यक ठंडा पानी। हाँ, वो पीछे आपका माउंट एवरेस्ट नजर आ रहा होगा। तो हम वहाँ से वापस आ रहे हैं, अभी वहाँ पे ऑक्सीजन मास्क उतार के हैं, वहाँ पे हमारे कैमरे अलाउ नहीं थे आए, वरना हम आपको वहाँ के सीन्स भी दिखा सकते थे। हम जा रहे हैं अपने वापस अपने कैंप की तरफ, होटल की तरफ, और वहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। हमारे साथ हैं सिंगर शाबान अजीज, और ये जो आप मेरे पीछे गिटार देख रहे हैं ये भी बेसिकली इन्हीं का है, तो आप इन्हें मोटिवेट जरूर करेंगे ये बजाना सीख लें, वरना हम इनकी आप हमारा रूम आ चुका है यह है हमारा होटल। तो सीन ये अगर कुछ नाश्ता करना है, और नाश्ता करने के बाद हम चल रहे हैं, अगला पॉइंट है हमारा अताबाद। हमारा पॉइंट है अगला अताबाद, और अताबाद के बाद खंजरा पास, उसके बाद बीजू, उसके बाद जब। और हमारा यहाँ से सफ़र इख्तिताम, यहाँ पे जितना हमारा वक्त लिखा हुआ था वो पूरा हो चुका है इंशाल्लाह। तो अभी हम निकल रहे हैं अताबाद लेक पे, तो वहाँ पे जाके सीन बनाते हैं।